नमस्कार दोस्तों, हिंदू दर्शन के तीसरी कड़ी में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस कड़ी में हम महाभारत युद्ध में कौरवों तथा पांडवों की तरफ से लड़े गए राजाओं एवं उनकी सेनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शीर्षक की तरफ चलते हैं। सबसे पहले कौरवों की तरफ से प्राग ज्योतिषपुर नरेश राजा भगदत्त ने एक अक्षौणी सेना के साथ कौरवों का साथ दिया था। राजा भगदत्त के बारे में कहा जाता है कि ये देवराज इंद्र के पुत्र थे तथा इनका एक बहुत ही विशालकाय एवं ताकतवर हाथी था जिसका नाम सुप्रतीक था। इसी हाथी पर सवार होकर इन्होंने महाभारत का युद्ध किया था। ये इतने बूढ़े थे कि इनकी पलकें आंखों को ढक लेती थी। आंखों को ढकने से बचाने के लिए यह एक सफ़ेद पट्टी बांधकर युद्ध किया करते थे। इन्हें वैष्णवास्त्र का भी ज्ञान था। एक बार अर्जुन के साथ युद्ध में इन्होंने वैष्णवास्त्र का प्रयोग किया था, तब श्री कृष्ण ने इसे अपने ऊपर रोककर अर्जुन को बचाया था। श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने इनकी सफ़ेद पट्टी को बाण से काट दिया जिससे इन्हें दिखाई देना बंद हो गया तथा तब जाकर अर्जुन ने इनका वध कर दिया था। ताकतवर हाथी सुप्रतीक का भी वध कर दिया था। इसके बाद आते हैं सोमदत्त पुत्र भूरिश्रवा। इन्होंने भी एक अक्षौणी सेना के साथ कौरवों का साथ दिया था। भूरिश्रवा भी बहुत बड़े महारथी थे। एक बार सात्विकी के साथ युद्ध में इन्होंने सात्विकी को हरा दिया था तथा तलवार से सात्विकी का वध करने ही वाले थे कि अर्जुन ने बाण चलाकर तलवार वाले हाथ को काट दिया था। इन्होंने युद्ध नीति का उल्लंघन मानकर आमरण अनशन पर बैठ गए, तब सात्विकी ने इनका सर धड़ से अलग कर दिया था। दोस्तों, तीसरे हैं मद्रराज शल। ये नकुल तथा सहदेव के सगे मामा थे तथा दुर्योधन ने इनकी छल पूर्वक अपनी ओर मिला लिया था। एक अक्षौणी सेना के साथ कौरवों की तरफ से युद्ध किया था। त्रिगत राज कृतवर्मा एक अक्षौणी सेना के साथ कौरवों की तरफ से युद्ध किया था। सिंधु नरेश जयद्रथ एक अक्षौणी सेना के साथ दुर्योधन का साथ दिया था। ये दुशाला के पति तथा दुर्योधन के बहनोई थे। इन्होंने भगवान शिव से वरदान मिला था कि ये एक दिन के लिए अर्जुन को छोड़कर बाकी पांडवों पर विजय पा सकेंगे। इनके पिता का वरदान था कि इनका सिर जो भी जमीन पर गिरा देगा उसका सिर फट जाएगा। कंबोज नरेश सुदक्षिण एक अक्षौणी सेना के साथ कौरवों की तरफ से युद्ध किया था। अवंती नरेश राजा बिंद और अनुबिंद एक अक्षौणी सेना के साथ कौरवों की तरफ से थे। केकय के राजा एक अक्षौणी सेना के साथ। श्री कृष्ण की एक अक्षौणी चतुरंगनी सेना कौरवों की तरफ से थी। हस्तिनापुर की भी एक अक्षौणी सेना थी। पांडे चोल भोजवंशियों को मिलाकर एक अक्षौणी सेना भी कौरवों की तरफ से थी। इस प्रकार 11 अक्षौणी सेनाएं कौरवों की तरफ से एकत्रित हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ पांडवों में एक अक्षौणी सेना राजा विराट ने दी थी, जहां पर पांडवों ने अज्ञातवास काटा था तथा इनकी पुत्री उत्तरा का विवाह अभिमन्यु से हुआ था। राजा द्रुपद एक अक्षौणी सेना के साथ पांडवों का साथ दिया था। सत्वत वंशी सात्विकी ने एक अक्षौणी सेना के साथ पांडवों का साथ दिया था, जो अर्जुन के शिष्य भी थे। चेदिराज धृष्टकेतु जो शिशुपाल के पुत्र थे एक अक्षौणी सेना के साथ पांडवों की तरफ से युद्ध किया था। मगधवीर जयतसेन और जरासंध पुत्र सहदेव एक अक्षौणी सेना के साथ पांडवों का साथ दिया था। काशीराज कुंती भोज आदि को मिलाकर दो अक्षौणी सेनाएं और एकत्रित हो गई थी। इस प्रकार 7 अक्षौणी सेनाएं पांडवों के पास थी। यहाँ पर मैं एक बात और बताना चाहता हूँ। दोस्तों, युधिष्ठिर को अनुस्मृति नामक विद्या देवर्षि लोमस के द्वारा प्राप्त हुई थी, जिससे वे भूत एवं भविष्य देख सकते थे। उनसे जब यह पूछा गया कि इस युद्ध में कितनी योद्धा मारे गए, तो उन्होंने बताया था कि
1,66,20,000 योद्धा मारे गए हैं तथा 24,865 सैनिक लपाता हैं। ये लिखा है स्त्री पर्व अध्याय 26 श्लोक 9 और 10। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए तथा लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।